जा रही थी, जिसमें पूछा था कि मैं कौन से इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ जिस तरह से पढ़ाती हूँ उसमें। तो एक पॉइंट जो था बहुत ही कॉमन वो ये था कि मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो ये कोई प्रॉब्लम मेरी नई नहीं है, बहुत पहले से मैं हमेशा से फास्ट बोलती हूँ। बट पहले मुझे ऐसा लगता था फ्रेंड्स जो बोलते थे, फैमिली मेंबर्स बोलते थे, मुझे लगता था यार ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, तो तब कुछ फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से। बट अब हो रहा है कि आपको जब समझ नहीं आ रहा है आपको, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा ट्राई करूंगी थोड़ा धीरे धीरे बोलने की, मेरी फैमिली भी खुश हो जाएगी, स्लो बोलने लगी है, तो अभी तो ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। बट अभी के लिए ये है कि जिनको बहुत फास्ट लगते हैं मेरी वीडियोस, वो जिनको नहीं पता है वीडियो के साइड में ना, यहाँ पर जैसे आप कोई भी वीडियो अगर प्ले करोगे तो साइड में ऐसे ये थ्री डॉट्स लगे होते हैं इस तरह से, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद वहां पर होता है प्लेबैक स्पीड। ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे सेट होता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वहां पर आपको दिखेगा बहुत सारा नॉर्मल लिखा होता है, और नॉर्मल के ऊपर आपको 0.75x ये सब मिलेगा, ठीक है, 0.50 होता है जिसके ऊपर, यहाँ पे 1.25, तो अगर आप उसको 0.75 कर दोगे तो फिर आपको प्लेबैक स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, तो उसको देखना, ये वाला आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसको करके देखना। और जो साइलेंट सॉल्यूशन की सीरीज में अपलोड करती हूँ ना, उसके लिए रिकमेंड कर रही हूँ कि लास्ट में ना 2x होता है उसमें प्ले किया, क्योंकि वो बहुत फास्ट चलते हैं फिर वीडियो, ठीक है, तो उसमें बोर नहीं होगे, तो उसके लिए 2x स्टार्ट डिसाइड करा करो कि यहाँ पे मतलब इस तरह से आपको दिखने है, और यहाँ पर आप 0.75 रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तो मुझे ये क्लियर करना था, और फिर मैं आज भी ट्राई करती थोड़ा धीरे बोल के पढ़ाने की, और बाकी हमारा सीखने वाले हैं कि हमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बोन्स किस तरह से काउंट करने हैं। तो पहले आप एग्जांपल्स देखो, मैंने जो लिखे हुए हैं आपको पता है, जो ये है ये हमारा ब्रिजिंग लिगेंड का साइन होता है, और बाकी जो जैसे सिंपल लिखे हुए वो क्या है, हमारे टर्मिनल लिगेंड्स। तो आज हमें निकालना ये है, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस वाले कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मेटल मेटल बोन्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे देखो, ये सारे वैसे ही एग्जाम्पल्स हैं, सब में आपको निकाले हैं नंबर ऑफ मेटल मेटल बोन्स कितने हैं, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला तो आपको बता दूंगी, पहले समझो नंबर ऑफ मेटल मेटल बोन्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें चार मेटल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है, वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ उसमें टोटल मेटल मेटल बोन्स कितने हैं, टोटल मेटल मेटल बोन्स मतलब उसको इस तरह से लिखते हैं, टोटल मेटल मेटल बोन्स अगर आपसे पूछा जाए इस वाले कंपाउंड में कितने हैं, तो आप कैसे देखोगे, टोटल पूछे हैं तो 1, 2, 3, 4 टोटल बोन्स कितने हो गए, 4, है ना। तो एक तो हम ये निकालना सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कौन सा फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं बिना उसका स्ट्रक्चर में जाए, मतलब स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप निकाल लोगे उसमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बोन्स कितने हैं। तो यहां से जैसे इसमें आपको 4 दिख रहे हैं, तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो होता है टोटल एमएम बोन्स पर एटम, पर मेटल एटम, इसका क्या मतलब है कि जो एक मेटल एटम है उसके कितने एमएम बोन्स हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाले मेटल को पकड़ लूं तो इससे कितने एमएम बोन्स, एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है इसका बोन एमएम बोन, और एक कौन सा है ये वाला। तो अगर हम पर मेटल एटम की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास आते हैं 2 मेटल मेटल बोन्स पर मेटल एटम, और टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4। तो ये दोनों यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा था सिंपल एग्जांपल करके दिखाया है, बट इससे मान लो आपसे इस वाले एग्जांपल में पूछा जाए जो कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है इसमें नंबर ऑफ मेटल मेटल बोन्स कितने हैं, तो आप किस तरह से निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला देखो। तो जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बोन्स को के से डिनोट कर दूं, अगर बुक्स में के से लिखा होता है इसलिए मैं के से डिनोट कर रही हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, वीडियोस के एक्स्ट्रा आप कहीं पढ़ना चाहते हो तो एक अजय कुमार वाली बुक है बहुत ही अच्छी है, और ऐसे ही एक बुक है बीडी गुप्ता, दोनों ही बहुत अच्छी है, इक्वली मतलब इक्वली सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो आप दोनों में से कोई भी रेफर करना चाहो आप कर सकते हो। तो अभी बात आती है वापस से एमएम बोन्स हमें काउंट करने, तो फॉर्मूला होता है ये के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एमएम बोन्स, एमएम बोन्स, तो इसका फॉर्मूला होता है या आपको याद करना है 18 × n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, बस इतना सा फॉर्मूला है ये आपको याद करना है। यहां पर n क्या है, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ मेटल एटम्स
टोटल नंबर ऑफ मेटल इन योर कॉम्प्लेक्स। आपके कॉम्प्लेक्स में जितने भी मेटल गिवन है आपको, वो आपकी एन की वैल्यू होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाले में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू। सेकेंड वाले में भी टू, थर्ड में थ्री, यहां पर भी थ्री। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मेटल आइटम्स आपको गिवन है कॉम्प्लेक्स में, वो आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी। वी क्या है? वी इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो तो हमें काउंट करना आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के, वही तो डिवाइड बाय टू। तो फॉर्मूला समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है कि आपका रिप्रेजेंट करा है टोटल नंबर ऑफ एम एन बॉन्ड्स को। तो अभी मैं आती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो उसको देखो अप्लाई करके देते हैं फॉर्मूला किस तरह से वर्क करेगा। तो पहले है MN2CO10, ये है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे इसमें, हमें पता है फॉर्मूले में हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, मैग्नीज आपको पता है आउटरमोस्ट में कितने होते हैं? सेवन, और यहाँ पे टू है, तो सेवन इंटू टू प्लस ये क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल देता है दो इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर टू, टेन है साथ में, तो इंटू टेन। ठीक है, मतलब अगर एक कार्बोनिल टू इलेक्ट्रॉन्स आपको कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो टेन आइटम्स कितने कितने करेंगे? टू इंटू टेन है ना, टोटल कर लो, सेवन टू से फोर्टीन प्लस ट्वेंटी, हो गया 34। तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं 34। अब हमें निकालनी है के की वैल्यू, और यहाँ पर n कितना है? n इज योर 2। इस कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 2 है, तो बस डायरेक्टली पुट कर दो, 18 इंटू 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज 34 डिवाइड बाय 2। 18 टू सा 36 माइनस 34 डिवाइड बाय 2, 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें पता चला कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है Mn2CO10, इसमें K की वैल्यू कितनी आएगी? 1। मतलब टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं? 1। तो जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें, बाकी तो हमें पता नहीं, बट इतना श्योर है कि इन दोनों के बीच में दो मेटल आइटम्स है ना, दो मैग्नीज है, उनके बीच में क्या है? एक जो है वो बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलेगा। अब क्या होता है, कई ना सारे मेल्स जैसे मैंने देखे, तो उसमें पूछ रहा हूँ आप स्ट्रक्चर कैसे पता लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, बट नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगी क्लोजो सुपर क्लोजो को किस तरह से निकालते हैं, वो तो आपको सिखा सकती हूँ, बट इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कितने ब्रिजिंग पोजीशन पर आएंगे सीओ, कितने यहाँ पर आएंगे, ये हम नहीं बता सकते। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बुक में बार बार रिपीट होते हैं, वो हमें याद हो जाते हैं, बट आप किसी भी फॉर्मूला यूज, कोई भी फॉर्मूला यूज करके उसका स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते जिसमें आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए उसका, क्योंकि पेपर में क्या होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें आपको याद करना पड़े, हमेशा आपके कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, तो उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, मैंने एक क्वेश्चन देखा है शायद 2012 में आया था, जिसमें डायरेक्टली आपसे स्ट्रक्चर पूछा हुआ था, मतलब उसमें आपको इसको पता होगा ना उस क्वेश्चन का आंसर, जिसने देखा होगा पहले वो स्ट्रक्चर वही बता पाएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। उनके टेंशन मत लो, मेन फोकस करो जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं। तो यहां से हमने निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं? 1। तो यहां से एक बॉन्ड आयन के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद ही तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें निकालना हो टोटल नंबर ऑफ एमएम बॉन्ड्स पर मेटल एटम, मतलब एक मेटल एटम के कितने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालना हो पर मेटल एटम, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय एन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमने पहले निकाले हैं वो, डिवाइड बाय एन। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इन योर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें स्टार्ट करते हैं निकालना, हमें निकालना है, वैसे तो हमें दिख ही रहा है, अगर टोटल बॉन्ड्स मतलब एक ही है, टोटल एमएम बॉन्ड्स एक ही है, तो ये क्या होगा? पर मेटल भी एक ही होना है वैसे तो, बट फॉर्मूला लगा के देखते हैं। अगर हमें निकालना है पर मेटल एटम, क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास 34 है, डिवाइड बाय एन। एन क्या है? 2। तो कितना आया? 17। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है? 17। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी ये वैल्यू आती है ना, जितनी भी वैल्यू आएगी उसको 18 में से माइनस करो। जितनी भी वैल्यू आएगी आपको 18 में से माइनस करना है। सपोज करो 18 में, अगर यहाँ पे सपोज करो सोल्व करने के बाद 18 ही आ गए, तो जब आप 18 माइनस 18 करो तो कितना आएगा? 0। मतलब उसमें क्या है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स पर एटम इज इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पर आपने देखा कि हमारे 17 आया, तो क्या करोगे? 18 माइनस 17 कर दोगे, वो आपका आंसर होगा, कितना आएगा? 1। तो हमें पता है कि टोटल एमएम बॉन्ड्स में 1 है, तो पर एटम भी क्या होना है? एक ही बॉन्ड होना है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे, अब उनको सोल्व करेंगे 1 बाय 1।
सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ आ गया है फॉर्मूला तो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो ये वाली, उसके बाद में करवाई रही हूं। तो सेकंड क्वेश्चन है CO2 जिसको बाय एंड देन CO8, इसमें आपको निकालने हैं टोटल MM बॉन्ड्स और साथ में निकालने हैं टोटल MM बॉन्ड्स पर मेटल एटम। तो सबसे पहले टोटल निकालते हैं, उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, 18 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं ही डायरेक्टली काउंट कर देती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, कोबाल्ट का कितना होता है आउटमोस्ट में 9 इंटू 2 18, प्लस कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू 8 16 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना जाएगा 8 इंटू 36 माइनस 34 डिवाइड बाय 2, तो ये भी कितना आ गया 1 के इक्वल। जो टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स है इस कॉम्प्लेक्स में वो कितने हैं 1, और अगर हमें निकालने हैं पर मेटल एटम तो आंसर तो 1 ही आना है वैसे तो, बट स्टिल जाते हैं क्या करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय एन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 34, एन कितना है 2, कितना आया 17, अब जो भी यहां पर आता है उसको 18 से माइनस कर देते हैं तो कितना आया आंसर 1। तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स पर मेटल एटम भी कितने होंगे 1 और टोटल भी कितने होंगे 1, इस तरह से हो गया। अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगी मैं, थर्ड से सीखेंगे हम वो, पहले देखते हैं Fe3CO12 कैसे निकालेंगे। अब आपको पता चलेगा कैसे निकालना है तो कुछ से ट्राई करो, मैं डायरेक्टली लिखूंगी। अब आपको पता है आयरन कितना होता है ऑलमोस्ट 8 इंटू 3 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 24 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 48 डिवाइड बाई 2 इज 20 मैंने आपको प्लस लगा दिया माइनस, और इतने बॉन्ड्स तो कभी भी नहीं हो सकते, तो 24 माइनस 24 कितना हो गया, अरे 18 इंटू एन होता है, एन की वैल्यू आ गई 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, यहाँ पे कितने होते हैं 8 इंटू 3 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 18 थ्री 54 माइनस 24 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 54 माइनस 48 डिवाइड बाई 2 ठीक है, तो कितना आ गया 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हैं 3। अभी हमने निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स पर मेटल एटम, तो वो कैसे निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया था हमारे पास 48, एन कितना है 3, आंसर कितना आया 16 ठीक है इतना। अभी क्या करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मेटल 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 बॉन्ड्स पर मेटल एटम, पर मेटल एटम कितने हो जाएंगे 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। तो ये है हमारे मेटल मेटल बॉन्ड्स पर मेटल एटम और ये है टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा मैं आपको दिखाती हूं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है देखो यहां पर पता चल रहा है हमें कि जो एक मेटल होगा ना उसके पास दो मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं, तो Fe इसके पास दो होंगे, टोटल हमारे पास 3 है इस तरह से, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसके भी दो कंप्लीट हो गए तो इसको हमें इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल एमएम बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3, यहां पर भी 3 आएगा, और पर मेटल एटम कितने हैं 2, तो इसके कितने हैं 1 2, इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2 ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है CO इस तरह से, यह आपको याद नहीं होगा तो भी चलेगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे कुछ और समझाना है यहां पर, ये तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो आप खुद देख सकते हो हम सिर्फ फॉर्मूले से इतना निकाल सकते हैं
कि टोटल एमएम मोड्स कितने होंगे और टोटल एमएम मोड्स पर मेटल एटम कितने होंगे, हम कभी भी ये नहीं बता पाएंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास ये हमारा टर्मिनल पोजिशन पर होगा, टर्मिनल मतलब इस तरह से होगा या फिर ब्रिजिंग पोजिशन पर, ये दोनों क्या है ब्रिजिंग पोजिशन पर है। तो कभी भी हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इस वाले फॉर्मुले से या किसी भी फॉर्मुले से कि हमारे जो कार्बोनिल जो ग्रुप है वो क्या होंगे, टर्मिनल होंगे या फिर आपके ब्रिजिंग पोजिशन पर होंगे। तो ये हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जाना भी मत, आपको स्ट्रक्चर बहुत सारे याद करने पड़ जाएंगे ऐसे तो, और उनके नीड नहीं होते एग्जाम में। ठीक है, अभी देखो जैसे ये तो हमने निकाल लिया, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो ये वाला, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैं क्या करूंगी एफ की जगह पे आर यू लिखती हूँ, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि क्या है दोनों सेम ही ग्रुप के हैं, तो क्या होगा ये वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम आएंगे, सब कुछ सेम रहेगा। बट इस वाले केस में क्या होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कैसा आएगा आपके पास, क्योंकि देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, फाइनल आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है टोटल तो 3 हो गए बिल्कुल वैसे ही है, और पर मेटल आइटम कितने हैं 2 ही आया था, इतना तो ठीक है। बट इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CO4 और यहां पर भी क्या लगेंगे ऐसे करके CO, एक्चुअल में ऐसे लगे होते हैं, मैंने डायरेक्टली 4 लिया तो इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है ऐसे कर सकते हो। अभी क्या है आप देखोगे ध्यान से कि देखो दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए क्योंकि सेम ग्रुप की है, और दोनों क्या है जो एमएम मोड्स है वो भी सेम है और पर मेटल एटम भी क्या है सेम है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर। डिफरेंस ये है कि एफ वाले केस में हमारे पास दो कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग पोजिशन पर है, बट यहाँ पर क्या है एक भी लीगेट ब्रिजिंग पोजिशन पर नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है आपको पता है सेम ग्रुप अगर हम लिखते हैं एलिमेंट्स ऑस्मियम ये होता है, ठीक है तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है एलिमेंट्स की, वो ये होती है कि डाउन द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ ब्रिजिंग डिक्रीजेस, मेटल कार्बोनिल के केस में डाउन द ग्रुप अगर आप आते हो तो ब्रिजिंग लिगेंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आओगे तो जो साइज है एलिमेंट्स का वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ऑस्मियम का साइज सबसे बड़ा है, ये आयरन है अगर तो ये और ये ऐसे साइज क्या कर रहा है नीचे की साइड इंक्रीज कर रहा है, तो साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा इन दोनों एटम्स में गैप आ जाएगा, मतलब इनका बोन क्या करता है इंक्रीज कर जाता है, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये इतना बड़ा हो गया साइज, ठीक है ऐसे। तो अब जो वो कार्बोनिल बोन्ड नहीं बन पाता है क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया, ये बोन्ड बहुत ज्यादा खींच गया है बोन्ड, तो इसकी वजह से क्या हुआ दोनों मेटल जो है उनका डिस्टेंस ज्यादा हो गया दोनों के बीच में, इसी वजह से डाउन द ग्रुप क्या होता है ब्रिजिंग की टेंडेंसी डिक्रीज करती है क्योंकि नीचे की तरफ इनका साइज इंक्रीज कर जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, पेपर में आपसे एग्जामिनर को पता है कि बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं पता होते हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी सबको पता होती है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा ब्रिजिंग नहीं होती है, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपको ये दे सकते हैं या फिर दे सकते हैं ऑस्मियम वाला कंपाउंड ये, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें नंबर ऑफ ब्रिजिंग सीओ लिगेंड कितने होंगे, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी में भी नंबर ऑफ ब्रिजिंग सीओ कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप ब्रिजिंग की टेंडेंसी डिक्रीज करती है, तो इन दोनों में क्या होगा ब्रिजिंग लिगेंड एक भी नहीं होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, आप इस कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे ना कि आपके स्ट्रक्चर को याद करने की, जितने आपकी मेमोराइजिंग पावर है उसको कभी भी वो चेक नहीं करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए नीचे की तरफ ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज करती है, ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपको वही बताना है टोटल नंबर ऑफ एमएम मोड्स कितने होंगे, वापस से लिखते हैं कोई भाई, टंगस्टन है C5H5 ये है। आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, किस तरह से निकालेंगे सबसे पहले तो 18 × n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ठीक है तो यहां पे लिखते हैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
टू क्यों, ये देखो ब्रैकेट के बाहर टू लगा हुआ है, मतलब सबका ट्वाइस ट्वाइस है, यहाँ भी क्या होगा टेंस का भी ट्वाइस होगा, ठीक है। तो हमें क्या कर सकते हैं, अगर आप उसको आपको ऐसे तरीके कंफ्यूजन होते हैं ना इसको अगर, तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली क्या करो इस टू को ना अंदर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे, ये भी ऐसे, और ये टू इंटू टू फोर। तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई टू, माइनस में क्या है वैल्यूज इलेक्ट्रोन, तो काउंट करो फटाफट, टंगस्टन है सिक्स इंटू टू प्लस ये कितना देगा फाइव इंटू टू प्लस सीएल जो है वो ब्रिजिंग पोजिशन पर है, वो कितने देता है ब्रिजिंग पर, ब्रिजिंग पर देता है थ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एक सीएल थ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा, अभी हमारे पास दो सीएल है तो इंटू टू प्लस कार्बोनिल कितने देता है टू इलेक्ट्रॉन्स, साथ में फोर है तो टू इंटू फोर और फोर डिवाइड बाय 18 × 36 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया जीरो। यहाँ पर क्या है टोटल नंबर ऑफ एमएम बॉन्ड्स आपके कितने आ गए जीरो, मतलब एक भी मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है कंपाउंड में, ठीक है। इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया जीरो, ठीक है। ऐसे आप सिक्स सेवन एट सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सिक्स कर सकते हो, सेवन एट मैं करवाऊंगी। सिक्स में बिल्कुल सेम है बट इसमें मुझे कुछ एक और चीज सिखानी थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। तो पहले सिक्स देख लेते हैं, यहाँ पर कार्बोनिल फोर, वैनेडियम ब्रिजिंग पोजीशन पर है पी आर टू फोर ट्वाइस बी सी ओ फोर। इसमें आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक बॉन्ड्स, किस तरह से निकालेंगे 18 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है एक यहां पर वैनेडियम है एक यहां पर है, तो कितने हो गए मेटल आइटम्स टू माइनस कार्बोनिल कितने देता है टू इलेक्ट्रॉन्स, टू इंटू फोर एट। यहां पर देखो अच्छा अभी ये है, देखो ये है आपका लिगेंड, वो लगा हुआ है ब्रिजिंग पोजीशन पर, आपको पता है फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट होते हैं फाइव इलेक्ट्रॉन्स, वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से होते हैं। तो अगर ये ब्रिजिंग पोजीशन पर जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, पहले तो ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, उसके बाद क्या करेगा उसके बाद इन दोनों को डोनेट करेगा, है ना। तो ब्रिजिंग पोजिशन पर कितने इलेक्ट्रॉन देगा थ्री इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला बाकी ये, तो एक लिगेंड जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो कितने देंगे छह, तो प्लस में सिक्स, ठीक है। ये सिक्स किसका है, अच्छा इसको तो हमने मिस कर दिया, वैनेडियम भी तो है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, तो फाइव होते हैं इसके आउटर मोस्ट में, तो हमने यहाँ पे फाइव लिख दिया और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिक्स आ गए हैं, वैनेडियम फिर से है तो फाइव और ये हो गया इसका एट, ठीक है। इस तरह से डिवाइड बाय टू ऐसे ही करोगे, एट फाइव सिक्स, हाँ ठीक है ठीक है, इसी तरह से करेंगे, बस टोटल कर लो इनको 14 + 10 + 8 34 डिवाइड बाय टू यहाँ पे 32 चलो ठीक है 4/2 आ गया हमारा टू, ठीक है। इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, अब मुझे क्या करना है इसके साथ में आपको बताना था एक और, वो ये कि जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें ना एक इस तरह का कंपाउंड, इस तरह का कुछ लिगेंड था शायद यहाँ पे ना माइनस लगा हुआ था, इसी में आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था, तो यही था इसमें आप ये पूछ रहे थे हाँ अगर इसको हम लगाते हैं ब्रिजिंग पोजिशन पर तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है आर आर, इसके बाद बचेंगे तीन इलेक्ट्रॉन, तो इसको अगर हम इस तरह से देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसको अगर यहाँ पे माइनस लगा मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन और आ गया होगा तो माइनस लगा है। अब डाउट ये था कि इसके पास तो ऑलरेडी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है उसके आउटर मोस्ट में, तो इसको तो डायरेक्टली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देने चाहिए, मतलब इसको ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। कंफ्यूजन इसलिए हुई है क्योंकि मैंने क्या किया था आपको, मैंने बोला था कि जो सीएल है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, हमेशा सीएल माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
तो आपको शायद इस वजह से कंफ्यूजन हुई होगी कि जब ये डायरेक्टली इस पर माइनस साइन लगा हुआ है तो ये डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं दे रहा, यही वाली कंफ्यूजन थी ना। तो देखो इसको इस तरह से समझो, इसके पास जो है ओरिजिनली वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इसके खुद के सिर्फ इतने हैं, फाइव होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 3+2 5 इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। अभी क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन हम देके इसमें माइनस साइन लगा रहे हैं वो एक्चुअल में इसका नहीं है, कहीं और से आया है, क्योंकि इसके पास तो इतने थे तो ये वाला कहीं और से आया है। तो इसको अगर हम वैसे देखें अपनी रियल लाइफ से, तो क्या आप किसी से बोरो करके किसी को डोनेट करोगे, कभी भी कोई डोनेशन बोरो करके होता है, नहीं होता ना। तो वही वाला सीन है, जब इसके पास कहीं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसको डोनेट कैसे करेगा, किसी से बोरो करके किसी को डोनेट तो कोई नहीं करता, तो वही वाला सीन यहाँ पर भी लगता है। लेकिन इसको आप टेक्निकली इस तरह से समझोगे कि जो सीएल है, मैंने आपको बोला था सीएल क्या करेगा, बॉन्ड बनाता है। अब ना सीएल बॉन्ड तो बनाता है, बट जो सीएल माइनस जो है वो बॉन्ड बनाता भी है मेटल के साथ, अगर सीएल बॉन्ड बना रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, आपको पता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 7 होते हैं। वो हमेशा क्या करेगा, सीएल माइनस होने के बाद भी अगर वो माइनस भी है तो भी हमेशा वो एक ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अपना बॉन्ड बनाता है। उसके पास आउटर मोस्ट में चाहे 7 हो 8 हो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके आउटर मोस्ट में जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो पहले वो अपने बॉन्ड्स कंप्लीट करेगा, ठीक है। अभी उसके पास 8 है बट ये वाला ऐसा खुद का नहीं है, कहीं और से लिया हुआ है, तो जहां से लेके आया है मान लो वो वापस से लेने आ जाएगा तो वापस से इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये काम करेगा कि सबसे पहले अपने बॉन्ड्स कंप्लीट करेगा, और बॉन्ड इसके दो बन चुके हैं, इसको एक और बनाना है, तो पहले तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा। अब इसके पास हो गए हैं पूरे, अब क्या करेगा, ये बाकी दोनों का डोनेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाली बात एकदम यूनिवर्सल है, कोई भी एलिमेंट होगा पहले अपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो लोन पेयर से डोनेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। तो अभी बचे हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन 7th और 8th, इनमें आपको क्या करना है, 7th क्वेश्चन आपको जेड की वैल्यू निकालनी है और 8th में आपको बताना है एम मतलब मेटल कौन सा है, ठीक है, ये करना है। तो पहले 7th करते हैं, 7th क्वेश्चन है Cp3 Nc3 ब्रिजिंग पोजिशन पर वाइस और ये जेड, आपको बतानी है जेड की वैल्यू, साथ में आपको गिवन ये है कि निकल निकल बॉन्ड्स टोटल कितने हैं इस कॉम्प्लेक्स में, 3, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है इसको, ठीक है, इस तरह से है। तो अभी हाँ हमें निकालनी है जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे आपको किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ऐसा लिखा होता है। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी आप कंसीडर यही करेंगे कि जो भी कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अब देखो अगर कोई एक मेटल होता है तो वो अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर दो मेटल हो गए हैं किसी कॉम्प्लेक्स में तो कितने होंगे, 2 × 18 यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन। अगर एक कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ मेटल्स एक से ज्यादा है तो आपको 18 × करते जाना है, जैसे दो मेटल है तो 18 × 2 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर तीन मेटल आइटम्स है तो 18 × 3 54 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस तरह से हम देखते हैं। तो अगर आपको नहीं भी गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है और आपसे ये जेड की वैल्यू निकलवाई हुई है तो भी आप कंसिडर करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो फिर तो ये क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, अभी तो हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, ये कितने 15 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, साइक्लोपेंटाडाइन क्या है ये, कितने देता है 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सो 5 × 3 निकल है, कितने होता है आउटर मोस्ट में 10, 10 × 3 प्लस जो सीओ है वो क्या कर रहा है, 3 मेटल आइटम से अटैच है, 3 का मतलब क्या होता है 3 मेटल से अटैच है ना, अब 3 मेटल से तो अटैच है लेकिन जितने मर्जी मेटल से अटैच कर लो उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है वो 2 ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो 2 × 2 कितना होगा 4 है ना, इतना हो गया। अब क्या क्या होगा इसको ध्यान से देखो, अभी तो ये टोटल तो इक्वल टू कितना आना है, टोटल तो हमारा कितना आएगा 3 मेटल है ना, तो 3 मेटल के लिए 18 × 3 54, टोटल तो 54 ही आने आपके इलेक्ट्रॉन क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो एक मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते 3 के पास कितने होंगे 54। देखना ये था कि जो ये आपको गिवन है
इसका क्या मतलब है, आपको पता है अगर कोई एक बॉन्ड बना है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो अगर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको गिवन है थ्री निकल निकल बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तीन में कितने हो जाएंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपको सिक्स एड करना है, ठीक है, इतना आप एड करेंगे। और क्या करेंगे आप, अच्छा एक मिनट एक काम करते हैं, इसको भी इक्वल टू 54 कर देखो वरना आंसर नहीं आ पाएगा। दो मेथड है, एक तो इसको इक्वल टू रख के चलो और साथ में करो यहां पे प्लस में जेड कर दो, कि जो ये जेड है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, प्लस में जेड इज इक्वल टू 54 है। किस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही करते हैं, 15 + 30 + 4 + 6 + z = 54। एक तो ये मेथड है, यहां से आप जेड की वैल्यू निकालो, ठीक है। जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले इनको ऐड करो, जेड की वैल्यू यहां से आपको कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है। तो यहां से हो गया 40, हो जाएगा 55, तो 55 + z = 54 आया है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, -1, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसका ये मतलब हुआ, लेकिन अगर ऐसे निकालोगे ना तो इसका मतलब ना कुछ और निकालोगे आप, और जेड की वैल्यू क्या होगी, -1, जो कि गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इसको इक्वल टू 54 नहीं भी लिखोगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे जेड के बिना भी, आप जेड को भूल जाओ, वैसे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो कितने आएंगे, 55 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी हमने इक्वल टू भी कुछ नहीं लिखा, हमने जेड को भी नहीं लिखा, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर दिए, कितने आए, 55। अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने, 54। तो हमें तो उसको फॉलो करवाना ही है, इसीलिए जेड की वैल्यू हम क्या करेंगे, +1। प्लस वन का मतलब क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, प्लस का मतलब क्या होता है, दे देना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं उसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 55 - 1 = 54। तो जो जेड की वैल्यू -1 आई थी वो ये वाला था, तो यहां पे कंफ्यूज होगी, आंसर -1 मत लिख के आना, -1 लिख के आओगे उसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर माइनस का चार्ज है, और जब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो वो कितने आएंगे, 55 इसके ऑलरेडी है। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, तो आपने तो उसकी 56 इलेक्ट्रॉन्स करवा दी, और अगर 56 करवा दी है तो फिर तो वो फॉलो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन रूल को, है ना। इसलिए बेटर ये रहता है कि पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, अगर इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं 54 से, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल जितने फॉलो करने चाहिए उससे अगर ज्यादा आते हैं तो माइनस कर दो। जैसे सपोज हमें 54 चाहिए थे, हमारे 55 आ गए, तो हमें 54 बना के माइनस कर दिया। अगर ये कम आते, मान लो काउंट करने के बाद 53 आते हैं अगर ये, तो हम क्या करते हैं, 53 से 54 बनाना है, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, समझ में आया, तो ऐसे करते हैं। अभी आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर, और इससे पहले भी एक और चीज एक्सप्लेन करनी है, वो ये कि मैंने शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा ही, जिसमें आपको एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब अपना कंफ्यूजन ये हो गई कि जो मेटल है, मैंने जो फाइनल आंसर लिखा था उसका मैंने 3D एलिमेंट्स का एक मेटल को लिख दिया था, तो आपका क्वेश्चन ये आया था कि सपोज करो मैंने क्रोमियम लिखा होगा वहां पर, तो आपका क्वेश्चन ये था कि मैम जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 इसके हैं वो तो मोलिब्डेनम के भी होते हैं, टंगस्टन के भी होते हैं, तो आपने क्रोमियम ही क्यों लिखा। तो वो इसलिए क्योंकि पेपर में क्या होता है, एग्जामिनर आपको ये तो बताएगा कि जो मेटल है वो कौन से रो से, मतलब कौन से वाले सीरीज का है, 3D का है, 4D का है, 5D का है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि जो मेटल है वो क्या है, 3D सीरीज से बिलोंग करता है। तो इसी क्वेश्चन में भी वही है, जो मेटल है वो 3D सीरीज से बिलोंग करता है, और गिवन ये है कि टोटल नंबर ऑफ एमएम मोड्स कितने हैं, 1, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन ये लेते हैं यहां पर, यू होल्ड ट्वाइस और साथ में आपको गिवन है 1 mm बॉन्ड। तो 1 mm बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक मेटल बॉन्ड है, मेटल बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमें साथ में ऐड करने हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं। तो क्या करो, इस 2 को अंदर ले जाओ, कितना बन जाएगा, M2 C6 H6 फोर्ड ट्वाइस और ये 0 4, ठीक है, ये बन गया। अब डायरेक्टली लिखते हैं, मान लेते हैं जो एक्स एम है हमारा, वो एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो अगर एक मेटल एक्स इलेक्ट्रॉन्स देगा तो 2 कितने देंगे, 2x, ठीक है। एक है बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 6, क्योंकि यहाँ पास 3 पाए बॉन्ड्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहां से। तो एक C6H6 देता है हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस कार्बोनिल आपको देता है
टू इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 × 4 = 8। ठीक है, इस तरह से। और वो इक्वल किसके है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो कर रहा है और मेटल हमारे पास 2 है, तो कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 36। 18 × 2 मतलब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है, 2x + 20। और साथ में आपको दिखेगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो साथ में आपको वो भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें गिवन है 1 mm मोल। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, इक्वल टू 36। 2x + 22 = 36। 36 - 22 = 14। एक्स आगे आपका 14/2 = 7। तो मतलब ये हुआ, जो आपका मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है आपको, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। और 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब क्या है, मैंगनीज, मैंगनीज होगा, है ना। और क्या हो सकता है, ये तीनों क्या है, सेम ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर आपको एग्जामिनर बोलते हैं कि आपका 3D से बिलोंग करता है, तो आप मैंगनीज टिक करोगे। अगर कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी रैंडमली दिया हुआ है आपको, तो फिर आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो टिक कर सकते हो। बट आपको एग्जामिनर स्पेसिफिकली मेंशन करके देता है कि जो मेटल है आपका वो आपको 3D सीरीज से बिलोंग करता है। तो अभी ठीक है, कैलकुलेशन देख ली। अब क्या होता है, मैं आपको कैलकुलेशन एक एक स्टेप करके दिखा दूं, 2 × 4, 4 × 2, इसमें कंफ्यूजन होती है, हो सकता है आपको भी इरिटेशन हो ऐसे करके, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूजन इन सब चीजों में रह जाती है, इसलिए आपको 1 by 1 करके दिखाना पड़ता है। मैं खुद भी गलतियां कर देती हूँ 2 × 4 करने में इन सब में, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर मैं यहाँ देख रही हूँ, वहां देख रही हूँ, इस तरह से। तो आई होप ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही होगी और समझ आ रहा है जिसे पढ़ा रही हूँ। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। आपको क्वेश्चन ना ऐसे वाले पेपर में मिलते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।